शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों अस्सलाम अलैकुम। आपके शहर में पहले भी आना हुआ, आने का मकसद कोई सियासत नहीं है, किसी फिरके की दिल आजारी नहीं है, किसी हुकूमत पर नुकता चीनी नहीं है। हर शहर में, हर घर में, हर कस्बे में कुछ दिल वाले होते हैं, उनको निकालना मकसद है और दिल की आवाज उनके जमीर तक पहुंचाना। हजूर पाक के जमाने में दो तरह का इलम था, एक जबान वालों के लिए और एक दिल वालों के लिए। जबानी इलम को शरीयत कहते हैं और दिल वाले इलम को तरीकत कहते हैं। आपके जमाने में जिन लोगों ने सिर्फ जहरी इलम पे कनात करी, उन्हीं में से कोई खुआरिज हुआ और कोई मुनाफिक हुआ, और जिन लोगों ने वो दिल वाला इलम भी हासिल किया वो तो सहाबी या रसूलल्लाह कहलाए, वलियों से भी आला मकाम हासिल करके चले। अब वो जो जबानी इलम है, जो शरीयत का इलम है, वो कुरान मजीद में जब तौरात उतरी तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा कि दीन तो मुकम्मल हो गया, अब इसके आगे और क्या इलम हो सकता है भी, जो कुछ है इस किताब में है, तौरात में है, इसके आगे क्या इलम हो सकता है। अल्लाह ने कहा भी है कि तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, इस पे पाबंद रहो। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इसके आगे और इलम भी है, ये तुम्हारे आम के लिए है, वो खास के लिए है। इसके लिए आगे चले जा, फलां दरिया पे चला। जब फलां दरिया पे गए तो वहां खिजर अलैहिस्सलाम मिले, उन्होंने किश्ती भी तोड़ी तो बच्चे को भी मारा ना। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वाकई और भी इलम होता है जिसे मैं बेखबर हूं। कहा ना मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो खिजर अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा आया तुम्हारे से भी कुछ ज्यादा किसी के पास इलम है, तो फरमाने लगे कि मैं एक दिन जंगल में जा रहा था तो देखा एक आदमी सोया हुआ था, उसके ऊपर लाइट पड़ रही थी जो वलियों पर लाइट होती है, तो मैं पहचान गया ये कोई अल्लाह का वली है। मैंने उसको जगाया, उठ। वो उठा, कहने लगा क्यों जगाया। मैंने कहा मैं थका हुआ हूं, तू मेरी खिदमत का रात पौन दबा। उसने कहा जा अपना काम कर। मैंने समझा शायद इसने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि मैं नकीबी हो लिया हूं, सारे वली मेरे मोहताज है, मेरे तहत है, और इसने मुझे कहा जा अपना काम कर। हज़रत कहते हैं अच्छा अगर तू मेरी खिदमत नहीं करेगा अभी मैं बस्ती वालों को बताऊंगा कि ये अल्लाह का वली है, वो तेरे पीछे लग जाएंगे। वो कहने लगा ठीक है, तो जो उनको बताओगे ना कि ये वली है तो मैं उनको बताऊंगा यही खिजर है, वो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। अब खिजर सलाम कहने लगे तुझे मेरे नाम का कैसे पता चल गया। अब वो कहने लगा अब तुम बच्चे बताओ मेरा क्या नाम है। खिजर सलाम कहते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश करी, सारा इलम लड़ाया, लेकिन पता ही नहीं चल सका इसका नाम क्या। आखिर अल्लाह ताला की तरफ मैं रजू हुआ। जब रजू हुआ क्या है अल्लाह, ये आदमी मेरी समझ से बाहर है। अल्लाह ताला ने फरमाया तू बाकी नकीबी हो लिया है, लेकिन तू उनका नकीबी हो लिया है जो मुझे चाहते हैं, ये उनमें से है जिनको मैं चाहता हूं। अब इलम बहुत सारा है,
अब हम जो बात करते हैं ना, लोग कहते हैं ये ना हदीस की बात है ना कुरान की बात है, लेकिन हदीस कुरान के आगे भी इलम है ना, वो जो इलम है वो हजूर पाक के सीने मुबारक में है ना। अल्लाह, वो इलम सीने मुबारक में है। इस कुरान मजीद से वो तुरैत का इलम खत्म हो गया, तुरैत खत्म हो गई, ये तो मानते ही हैं। जबूर भी चला गया, अंजीर भी मुंतशर हो गया, अब तुम्हारा कुरान मजीद वो भी मुंतशर हो चुका है ना। 72 फिरके अहले कुरान नहीं बनाया भाई, अब तुम्हें फिर रास्ता किस चीज से मिलेगा? जब कुरान भी मुंतशर हो गया तो फिर तुम्हारे पास रास्ता कौन सा है? अब तुम्हें वो दीन पकड़ना पड़ेगा जो मुंतशर हो ही नहीं सकता है, जिसको हर मजहब कबूल करता है, वो दीन जो अल्लाह ने अपने लिए रखा था, जो अल्लाह का दीन है। अब तुम्हें उसको पकड़ना पड़ेगा, तब तुमको सिरात मुस्तकीम हासिल होगा। अब अल्लाह का दीन क्या है? तौरात भी अल्लाह का दीन नहीं है, तौरात वालों का और दीन है, जबूर वालों का और है, अंजीर वालों का और दीन है, कुरान वालों का और दीन है, फिर अल्लाह का दीन क्या? फिर अल्लाह का दीन क्या है? अल्लाह का दीन इश्क है। अल्लाह, उसने सबसे पहले अपने महबूब से इश्क किया, खुद इश्क, खुद आशिक, खुद माशूक। अब तुम्हारे अंदर वो इश्क आ जाए, वो इश्क सब मजाहब से बालाता है। मजाहब ईमान सिखाते हैं, ईमान से अल्लाह नहीं मिलता है, ईमान से जन्नत मिलती है, ईमान से जन्नत मिलती है, अल्लाह नहीं मिलता है। और वो दीन इश्क सिखाता है ना, इश्क से अल्लाह मिलता है। अल्लाह, वो दीन क्या है? आप तो मैं तस्वीर लेते हो, अल्लाह ला करते हो, अब तस्वीर के साथ अल्लाह ला क्यों करते हैं? जिस तरह पत्थर पत्थर से टकराता है, लोहा लोहे से टकराता है, चंगारियां उठती हैं, अल्लाह अल्लाह से टकराता है, नूर बनता है। अब आप किसी मजहब की बात नहीं करें, हम आपको इश्क की बात बताते हैं। आप मजहबों को भी छोड़ें, फिरकों को भी छोड़ें, इश्क को अपनाएं। अगर अल्लाह मिल गया तो फिर जिधर अल्लाह उधर तुम। अब ये जो टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये भी नूर बनता है। जब टकराव होता है आपस में तो वो नूर बनता है, लेकिन ये नूर अंदर नहीं जाता, ये बाहर उंगलियों में रहता है। इसका अजर मिलेगा तो यौम महशर में मिलेगा ना, अभी तो कुछ नहीं है ना। इसी तरह लोग जुबान से अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो भी नूर बनता है। वो जो मस्ती आती है वो नूर की मस्ती होती है ना, लेकिन वो नूर भी बाहर ही बाहर है ना, अंदर तो वो भी नहीं गया ना। इसी तरह की अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर तस्बीह लगा दी है, वो भी टिक 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 करती रहती है। वो टिक टिक क्यों करती है? अब वो खाली टिक टिक कर रही है ना, तो उसकी रगड़ से तुम्हारे अंदर बिजली बन रही है। ये जो तुम्हारे अंदर बिजली है, 1.5 किलोवाट बिजली है तुम्हारे, वो उस टिक टिक से बनती है। और जो जो वो टिक टिकें आस्ता होती जाती हैं, तुम्हारे में जो सुर तेजी वो कम होती जाती है। मंदिर में देखो, बिल्ली में देखो, उसकी टिक टिक बड़ी तेज है और उसमें बड़ी फुर्ती है। अब जब उस टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह मिलता है, तो फिर वो अल्लाह अल्लाह का जब रगड़ा लगता है ना, तब फिर वो नूर भी बनना शुरू हो जाता है ना। अल्लाह, फिर वो नूर है वो उस बिजली में मिक्स हो जाती है। जब वो नूर उस बिजली में मिक्स हो जाता है, तब फिर वो टिक टिक का तलक खून से है, खून को आगे धकेलती है, फिर आगे धकेलती है, फिर वो अल्लाह अल्लाह का नूर पूरे खून में चला जाता है। ये नूर नहीं गया, जबान का नूर भी नहीं गया, वो जब अंदर अल्लाह अल्लाह हुई तो उसका नूर अंदर खून में गया ना। खून से होता हुआ फिर वो तुम्हारी नसों तक चला जाता है, वो नूर नसों में जाता है, नसों से होता हुआ जो तुम्हारी रूह है रूह तक पहुंच जाता है, फिर तुम्हारी रूह बेदार होके वो भी अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है। फिर तुम सोते रहोगे, तुम्हारी रूह अल्लाह अल्लाह करती रहेगी। तुम कब्र में चले गए तो वहां भी तुम्हारी रूह अल्लाह अल्लाह करती रही, और यौम महशर में भी रूह अल्लाह अल्लाह करती रही। इस किस्म की तुम्हारे अंदर 16 मखलूकें हैं, 7 रूहें हैं,
9 جسے ہیں 16 مخلوق ہیں تمہارے ڈھانچے میں, جب وہ نکل جاتی ہیں تو تمہارا ڈھانچہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اصل وہ ہے نا, تم نقل ہو نا. اس مخلوق کے بعد وہ باقی جو مخلوقیں ہیں وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں, وہ بھی جاگنا شروع ہو جاتی ہیں, حتیٰ کہ 16 کی 16 مخلوقیں اس جسم میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر یہی مسجد, یہی کعبہ, یہی گلے گلزار جنت ہے. اب وہ تمہاری روح اللہ علامہ لگ گیا, اب ان کی نور سے پرورش ہونا شروع ہو گئی, نور سے انہوں نے طاقت پکڑ لی. اب تم مذہب کو چھوڑو, پہلے صراط مستقیم دیکھو کہ صراط مستقیم کیا ہے. جب انہوں نے طاقت پکڑ لی, ایک تمہارے جسم میں ایک ایسی روح ہے جس کو نفس بولتے ہیں, اس میں شیطانی طاقت ہے. بچہ بچپن سے شیطانیاں کرتا ہے, اس میں شیطانی طاقت ہے. وہ ذرا طاقتور ہوتی ہے, خواب میں وہ جسم سے باہر نکل جاتی ہے, شیطانوں میں جا کے گھومتی ہے, پھر جسم میں داخل ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ شیطانی روحیں شیطانوں میں جاتی ہیں شیطانی طاقت کے ذریعے. اب تمہارے اندر جو روحیں ان میں وہ نوری طاقت بھی آ گئی نا. جب وہ نوری طاقت آ گئی نا, تو نوری طاقت کے ذریعے جسم سے نکلتی ہے نا, وہ شیطانی شیطانوں میں جاتی ہیں تو نوری نوریوں میں جاتی ہیں نا. اللہ, پھر جب یہ نوری نوریوں میں جائیں گے تو پھر جب دیکھیں گی نا کہ جس کے آگے سارے نبی ولی جھکتے ہیں, یہ بھی اس کے آگے جا کے جھک جائیں گی نا. روح نے تو صراط مستقیم پا لیا نا, اس نے باطن میں دیکھ لیا نا. اب کوئی کہتا حضور پاک زندہ ہیں, کوئی کہتا چلے گئے ہیں, دونوں نہ اس نے دیکھا تھا نہ اس نے دیکھا نا, اس وقت روح جا کے دیکھ آئے گی نا. اس کے بعد ہر وقت تمہارے دل میں جب اللہ اللہ شروع ہو جائے گی, کوئی بھی چیز دل میں بس سے جائے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ دل میں آ گیا, اللہ سے محبت ہو گئی. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے, اللہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے. ایک روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹاتا ہے, احسان مانے تو کیوں 9 روپے فالتو دے. ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے, تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو ایک دن دیکھتا ہے, بڑے پیار سے دیکھتا ہے. جس دن اللہ نے تمہیں پیار سے دیکھا, محبت ختم ہوگی, پھر وہ عشق کا مقام ہے نا, پھر میں تیرا اور تو میرا, پھر میں تیرا اور تو میرا. اس وقت پھر علامہ اقبال نے فرمایا, گر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی. اگر عشق پیدا ہو جائے, اللہ کا عشق پیدا ہو جائے, تو اگر کافر ہے تو وہ بھی مسلمانی ہے نا. فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو پھر مسلم بھی ایک کافر زندیق. آج مسلمان ایک دوسرے کو کافر زندیق کہہ رہے ہو نا, عشق نہیں ہے تب کہہ رہے ہو نا. اگر اس کافر میں بھی عشق آ جائے تو یقین کرو وہ ان مذہب والوں سے بہتر ہے جن میں اللہ رسول کا عشق نہیں. اب عشق بھی آ گیا, اب حضور پاک کو بھی جا کے دیکھ لیا ان کی شان کیا ہے. اب یہ جو نمازیں اوپر کس طرح جاتی ہیں, تم تو فرض ایک رسم ادا کر رہے ہو. وہ جو نمازیں اوپر جاتی ہیں ان کا کوئی طریقہ ہے نا, تم کو طریقہ ہی نہیں آتا نا. یہاں سے امریکہ بار ٹیلی فون کے ذریعے جاتی ہے نا, تو بار ٹیلی فون کا لگا رہا ہے نا, وہ سارے لگے ہوئے ہیں, 72 فرقے والے لگے ہوئے ہیں نا. اگر آواز سب کی ایک جگہ چلی جائے تو 72 فرقے کیوں ہو, ایک ہی ہو نا سارے. اللہ, حضور پاک کے زمانے میں سنی شیعہ نہیں ہوتے تھے, نہ سنی نہ شیعہ نہ وہابی, ہوتے ہی نہیں تھے ان کے زمانے میں. جو ہوتے ہی نہیں تھے تو پھر یہ کون تھے, بھی سوچنے والی بات ہے نا. حضور پاک کے زمانے میں امتی ہوتے تھے, جو امت سے نکلا اس کو خوارج کہتے ہیں. امت یہ سارے امت سے نکلے ہوئے, یہ سارے امت سے نکلے ہوئے ہیں. کوئی فرقہ اپنے آپ کو امتی کہتا ہے؟ سنی بھی نہیں کہتا کہ سنی ہوں, کہتا میں شیعہ ہوں, میں وہابی ہوں. کوئی امتی کہتا, خوارج ہے تم نا. امتی کون ہوتا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں امتی وہ ہے جس میں نور ہے. حدیث شریف میں قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. اور قرآن مجید فرماتا ہے, احرام نے کہا ہم ایمان لے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, ان کو کہو صرف اسلام لے. مومن کب بنو گے؟ جب تمہارے دل میں نور اترے گا. تو
जब नूर उतरी गए तब तुम उम्मती हुए ना, तो उम्मती की बख्शिश होगी ना, तुम्हारी क्या बख्शिश होगी, तुम तो ख्वारिज हो भाई, बख्शिश तो उम्मती की होगी ना, उम्मती की सिफारिश होगी ना, ख्वारिज की क्यों, ख्वारिज तो निकला हुआ। अब उम्मती की, उसको मोमन बोलते हैं, तो मोमन मुसलमान की नमाज महराज नहीं होती है, मोमन की नमाज महराज होती है, उसके लिए सबसे पहले मोमन बनना पड़ता है। और मोमन महराज कैसे बनती है नमाज उसकी, अल्लाह ताला ने इस बंदे को नीचे भेजा, बहुत ही दूर भेजा ना, उसको पता था कि मेरे खास बंदे भी इसमें होंगे ना, है ना उसके बंदे जिसके जरिए उसको राबता करना पड़ता है, इसलिए उसमें इनमें एक टेलीफोन लगा के भेजा, हर बंदे में एक टेलीफोन लगा के, ये दिल तुम्हारा टेलीफोन है। अब ये टेलीफोन है लेकिन इसमें पावर नहीं है ना, मोबाइल फोन पड़ा है, फोन है, बिजली होगी उसकी, ले रही यहां से उठेंगी अमेरिका बात होगी, तुम्हारे अंदर फोन है इसमें अगर नूर की लहरें उठेंगी तो यहां से उठेंगी अर्श मौलो में जाके बात होगी। जब वो तुम्हारे दिल दिल की धड़कने तुम्हारे रूए हर वक्त अल्लाह 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 करती रहेंगी, ये तुम्हारा दिल इसमें बिजली जखीरा है, और वो नूर का जखीरा बन जाएगा, वो बिजली नूर में ट्रांसफर हो जाएगी वो इस दिल में, अब उसमें पावर आ गई, ये मैग्नेट आ गया है, मैग्नेट है, सुइया फेंको खींचता है ना, निस्बत है ना, अब इस दिल में नूर आ गया, अब तूने नमाज पढ़ी उसका नूर बाहर नहीं गया, वो अंदर दिल ने खींच लिया ना, और तलावत करी उसका नूर भी बाहर नहीं गया, वो दिल ने खींच लिया ना, अब दिल का रास्ता शमल्ला से है, अब वो नमाज भी ऊपर जा रही है और वो तलावत भी ऊपर जा रही है, अतः तेरी बात भी ऊपर जा रही है ना, अल्लाह हमसे तंग रहेंगे, गौर तेरे संग रहेंगे, दुनिया वाले तंग रहेंगे, गौर तेरे संग रहेंगे। एक सिख ने कहा तुम्हारे काबर कहते हैं कि कुरान मजीद में नूर है, क्या लगा मुंह में पहले इसका सबूत दो तुम, बाकी बात तो फिर करेंगे ना, मैं तुम्हारा जासूस रह के आया, तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाता था, नमाजें पढ़ाता था, मैंने भी बहुत सी आयतें रटी हुई थी, अगर उसमें नूर होता तो मैं नूरी क्यों नहीं हुआ, मैं तो मुड़ के सिख ही बन जैसा गया था वैसे ही आया। एक ईसाई भी बैठा हुआ था, उसने कहा मैं भी दिन रात तुम्हारा कुरान पढ़ता हूं, नूरी मैं भी क्यों नहीं हुआ। तो हमने कहा बात यह है कि तुमने इसको दिल से नहीं पढ़ा, यही कह सकते थे ना, कहने का ठीक है हमने दिल से नहीं पढ़ा, तुम्हारे मुसलमान तो दिल से पढ़ते ना, वो नूरी क्यों नहीं हुए, बात बड़ी बात, अगर ये नूरी होते तो इतने फिरकों में मुब्तला क्यों होते, सारे एक ही होते ना, सारे कुरान पढ़ने वाले एक दूसरे को काफर मुनाफिक कह रहे हैं ना, मकसद ये है कि वो कुरान उनके अंदर उतरा नहीं है, अंदर जाता तो नूर बनता ना, वो दवाई अंदर जाए तो शफा दे ना, कुरान दिल में जाए तो उनको नूर पहुंचाए ना, वो कुरान उनके दिलों में उतरा नहीं, जब कुरान दिलों में नहीं उतरा, इस दिल में दो दो चीजें हैं, या अल्लाह या शैतान, या तुम्हारे दिल में अल्लाह होगा, अगर अल्लाह नहीं है तो फिर शैतान होगा, भले तुमसे बाद से बड़े नमाजी हो काजी हो क्यों ना, अगर तुम्हारा दिल खाली है उसमें शैतान है। लोग कहते हैं हम तो तलावत करते हैं नमाजें पढ़ते हैं, हमारे साथ शैतान का क्या काम, कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा धोखा है भाई, तू नमाज पढ़ता है तो तेरे दिल में वसवसे क्यों आते हैं, तू तो अल्लाह के हुजूर खड़ा है, तू सोचना भी नहीं चाहता, वो वसवसे तेरे दिल में आते हैं, तो दिल में शैतान ही तब आते हैं ना, अल्लाह भाई शैतान है तब आते हैं ना, तो तू कैसे कैसे कहता है शैतान का मेरे मेरे साथ क्या काम है, वो आता है तुम्हारी नमाज खराब करके चला जाता है, नमाज खराब होती है तब वो आता है ना, वो जो तुम्हारा अल्लाह के दरमियान जो टेलीफोन है उसमें वो बैठ जाता है। जब तुम्हारे दिल में अल्लाह अल्लाह गूंजेगा, कि दिल की धड़कने अल्लाह अल्लाह पुकारेंगी, उस वक्त जब तुम नमाज पढ़ो फिर भी शैतान आएगा तुम्हारी नमाज खराब करने के लिए। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने हुजूर पाक से फरमाया कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझको वसवसे आते हैं, आपने फरमाया तुम्हें दो किस्म का स्वभाव मिल रहा है,
एक नमाज पढ़ने का और एक जहाद करने का। जब वो शैतान आता है वो तेरे दिल में अल्लाह अल्लाह हो रही है और उसको बाहर निकालती है ना वसवसों को, अल्लाह फिर वो आता है फिर अल्लाह अल्लाह उसको बाहर निकालती है। ये तो जहाद हो रहा है ना। अगर वो वसवसे आके चुप करके बैठ जाए जहाद तो नहीं है ना, फिर तो शिकस्त है ना, फिर तो शिकस्त है ना। इस वक्त जरूरी है कि जो दीन अल्लाह का दीन है इसको दीन इलाही बोलते हैं। ये आया करता था खास खास बंदों के लिए, जिन लोगों के लिए दीन आया, इश्क आया, खाजा साहब बन गए और दाता साहब बन गए। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जिनको अल्लाह चाहता था। अब अल्लाह ने इसको आम कर दिया, जो भी आए लब्बैक अल्लाह। नहीं समझे? जो भी है लब्बैक, ईसाई है, हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, कोई भी है, ये इल्म सबके लिए है। और जिसमें वो इल्म चला जाएगा वो तो अल्लाह का आशिक हो जाएगा। जब अल्लाह का आशिक हो जाएगा तो जिधर अल्लाह उधर वो। मेरा शाही, मेरा शाही, दीन नबी का सच्चा दाई, शाही, शाही, ये असरार इलाही, शाही, शाही। तो हमारे उलमा कहते हैं ये खास, हम मानते हैं बातें सही हैं, लेकिन ये बातें खास में करने की हैं। तो ये बातें खास में करना, आमों को हमारे लिए रहने देना, आमों में ये बातें क्यों करता है? हम कहते हैं वो जो खास लोग थे ना वो अभी आम में तब्दील हो गए ना। अब खास में और आम में क्या फर्क है? दोनों एक जैसे ही है ना, जैसी वो नमाज पढ़ता है वैसी वो पढ़ता है ना। हम आम में वो बातें करते हैं, उनमें जो खास आम में फंसे वो तो निकल आते हैं ना। हमारा उनसे ये इख्तलाफ है, जब ये दिल अल्लाह अल्लाह में लगता है, जिस दिन ये दिल अल्लाह अल्लाह में लगता है उस दिन तुम्हारी गाड़ी अल्लाह की तरफ चल पड़ती है। क्योंकि अल्लाह का तल्लुक इस दिल से है ना, जिस दिन अल्लाह अल्लाह इस दिल ने करी तुम्हारी गाड़ी अल्लाह की तरफ चल पड़ी ना। अब उस गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत है ना, ये शरीयत उसका पेट्रोल है ना। नमाजें रोजे पढ़ते रहो गाड़ी चलती जाएगी। इस तरीकत का तल्लुक दिल से है ना, और जब एक गाड़ी अल्लाह तक पहुंच जाती है उसको हकीकत कहते हैं ना। हकीकत का तल्लुक इन नजरों से है ना। जब तुमने लोगों को कहा कि सब कुछ शरीयत में है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। नॉर्वे में गए हम, वहां एक बोर्ड लगा हुआ है कि इसके आगे दुनिया नहीं है। अगर कोई दुनिया का मुहिम जू हुआ तो वहां जाके रुक जाएगा ना, आगे दुनिया ही नहीं, मैं क्या करूं। जब तुमने कहा कि सब कुछ शरीयत में, अगर कोई अल्लाह का तालब हुआ तो शरीयत भी फंस जाएगा ना। शरीफ आगे है ही कुछ नहीं, सब कुछ शरीयत, यही फंस गया ना। अगर सब कुछ शरीयत में होता तो हमारे जितने भी अकाबर है, दाता साहब, ख्वाजा साहब, जंगलों में क्यों गए? अता के गौस पाक की जंगलों में गए ना। इसका मतलब है वहां कुछ और तालीम थी ना, वहां वो तरीकत की तालीम थी ना। यहाँ ये शरीयत की तालीम है, वहां तरीकत की तालीम है। शरीयत मदरसों में, शहरों में पढ़ाई जाती है, और तरीकत जंगलों में हजूर पाक पढ़ाते हैं ना। फिर वो पढ़ा के तरीकत वापस भेज देते हैं ना, फिर शरीयत और तरीकत वालों को टकराव शुरू हो जाता है ना। तेरा शाही, मेरा शाही, गौर शाही, गौर शाही, दीन नबी का सच्चा दाई, गौर शाही, गौर शाही। मैं जिधर जाते हूँ हमारे उलमा पीछे लग जाते हैं, कहते हैं इसको बस कुछ बयान नहीं करने दो। और जितना वो रोकते हैं इतना अरूज और है अल्लाह। वो कहूंगा अल्लाह रसूल का हुक्म है। अब नौजवान उनके पास जाते हैं जो तालब है कि मुझे अल्लाह की तलब है, नमाज पढ़, कुरान पढ़, पढ़ता है, सारी शरीयत अपना अपनाता, दाढ़ी भी रख लेता है। 5-6 साल हो गए मौलवी साहब, पूरा आपका नामो निशानी, फिर ऐसा कर सियासत में आ जा। वो सियासत हजूर पाक ने करी थी, वो सियासत में उसको लगा लेते हैं। 5-6 साल सियासत में लग गया, मौलवी साहब अल्लाह का नामो निशानी, फिर तू जहाद कर। इसको फजीलत है कि जहाद क्या, कि वो यार सुल्ला नहीं कहते, तू उनको मार वो तुझे मारेंगे, जहाद शुरू हो गया ना। इस तरह नौजवानों की जिंदगी जो है वो बर्बाद हो रही है, वो जिंदगी बर्बाद हो रही है। इन आलमों में भी कई किस्म के आलम है ना। एक आलम रब्बानी है, वो जिसके सीने में कुरान उतरा उसको आलम रब्बानी कहते हैं।
वो कारी नजर आता है, लेकिन हकीकत में है कुरान। जिस तरह इस कुरान की ताजीम फर्ज है, इसको चूम सकते हैं, इसको पुश नहीं कर सकते, इस तरह उस आलम को चूम सकते हैं और उसको पुश नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर कुरान है। उसको आलम रब्बानी कहते हैं। उसने काफरों को मुसलमान बनाया है, मुसलमानों में कोई फितना खड़ा हुआ उसने बताया, और जिनके सीनों में कुरान नहीं उनके हाथों में कुरान है। तो जिनके हाथों में कुरान है उनको आलम सू कहते हैं ना। उस कुरान के जरिए उसने 72 फिरके बनाए, कौन से बनाया ना उसने। और तीसरा है जिसके बगलों में कुरान, ये कुरान पढ़ रहा है, हाथों में कुरान है, और तीसरा बड़ा खतरनाक है जिसने नौजवानों की जिंदगी खराब कर दी, उसके बगलों में कुरान है। और उसके लिए बुल्ले शाह फरमाते हैं, खा के सारा मुकर जाते जिन्हों के बगल में कुरान। सुबह कहते हैं बेनजीर काफिर है, शाम को जब पैसे मिलते हैं कहते हैं हमने तो कहा ही नहीं था। वो उस कुरान की आड़ में सियासत करते हैं ना, कुरान की आड़ में सियासत करते हैं, और कहते हैं हजूर पाक ने भी सियासत करी थी, हजूर पाक ने ऐसी सियासत थोड़ी करी थी। फिर कहते हैं कि जब सुल्तान के सामने कलमा हक कहना जहाद है, यानी जो भी हुकूमत है उसके खिलाफ यही उनकी होती है, हदीस यही होती है ना भी। पहली बात तो है कि हजूर पाक के जमाने में जाबर सुल्तान मुसलमानों में कौन था, कोई है रिकॉर्ड? अगर कोई होता है माजूर कर लेते ना, जिहाद क्यों करते? ये तो आपने काफरों के लिए कहा था ना, ये मुसलमानों में फिट करते आप उसमें लड़ाते हैं ना। इस वजह जरूरी है आप तुम सियासत को छोड़ो, बहुत अरसा कर चुके हो, अब रूहानियत की तरफ आओ। वो 5-6 साल जो तुम सियासत में गुजारे कुछ नहीं मिला, अगर तुम 5-6 साल सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहे तो और ही तुम्हारे दिल की सफाई तो हो जाएगी ना। दिल की सफाई होगी, दिल चमक उठा तो अल्लाह ताला कभी कभी मखलूकों को देखता है, बनाई जो है ना वो दाढ़ियों को नहीं देखता, वो शक्लों को नहीं देखता, वो चमकते हुए दिलों को देखता। और जिस दिल को अल्लाह ने चमकता देखा उस पर मेहरबान हो गया ना। अगर मस्त मलंग रहेंगे तो तेरे संग रहेंगे, दुनिया वाले दंग रहेंगे तो तेरे संग रहेंगे। अब जो इसका तरीका है, क्योंकि इसमें मजहब की बात नहीं है और कोई मजहब इसको जुटला भी नहीं सकता है, कोई मजहब तो रहा है जबूर अंजील कुरान इस्लाम को जुटला भी नहीं सकता है। अब जो इसका तरीका है, रोजाना 66 मरतबा कागज पे अल्लाह लिखते हैं, अल्लाह को अंदर लाना है भाई। तू कुरान पढ़ता बाहर फेंकता है, नमाज पढ़ता बाहर, अल्लाह करता बाहर, छू छू करता बाहर जाता है ना, वो अल्लाह को अंदर लाना है तू। यही एक राज है कि अल्लाह अंदर आए तो अंदर, अल्लाह अंदर कैसे आए? मुझे एक नेवी का कैप्टन मिला, मैं 5-6 साल से कागज पे अल्लाह लिखता हूँ, पता नहीं कितनों हजारों बार मैंने अल्लाह लिखा, मैं अल्लाह को पा नहीं सका। कि वो कागज तूने क्या किए कि वो मैं समुद्र में डाल दिए, समुद्र में डाले ना अंदर, कहता क्या मैं खा जाता। तो रोजाना 66 मरतबा सफेद कागज के ऊपर अल्लाह लिखे, काली पेंसिल से लिखे। आप थोड़े दिन लिखेंगे जो कागज पे लिखते थे वो तुम्हारी आंखों में तैरना शुरू हो जाएगा, वो तो तसव्वुर आंखों में आ जाएगा। जब आंखों में आ जाए फिर लिखना बंद कर दें, आंखों से तवज्जो से उसको दिल के ऊपर उतारने की कोशिश करें ना। कागज से आंखों ने खींच लिया और आंखों से दिल खींच लेता है ना, और जो कागज पे लिखते थे एक दिन वही दिल पे लिखा नजर आएगा ना। पुलिस की मोहर लगी, पुलिस वाला अल्लाह लिखा गया अल्लाह वाला, उस वक्त तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, टिक 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 टिक, उसके साथ अल्लाह मिलाए, वो दिल की तस्बीह है, वो दिल की तस्बीह अंदर है, उस टिक टिक के साथ अल्लाह मिलाए। घड़ी घड़ी इस तरह करें वो दिल की धड़कने अल्लाह में तब्दील हो जाएंगी। रात को सोने लगे उंगली को कलम ख्याल करें, तो सबों से दिल के ऊपर अल्लाह लिखते लिखते सो जाए, इसी मस्ती में सो जाए। सुबह उठे वजू है या नहीं परवाह नहीं, दिल का वजू पानी से नहीं होता। आप सारा दिन पानी में पड़े रहे, पानी तो दिल में जाएगा नहीं तो दिल का वजू कैसे होगा? जब ये अल्लाह का नूर इस दिल में आएगा वो इस दिल को धोएगा,
उसको बोलते हैं वुजू करने शौक शराब आना। बाद लोग दिल की धड़कने होंगी उसके साथ अल्लाह मिला लेंगे, बाज की खामोश हो गई, फिर वो क्या करें, उनके लिए कई तरीके हैं जो जिसको पसंद आ जाए। बुल्ले शाह ने कहा कैसा नच के यार मनाया है, तो सोचने लगे ये क्या गया, नचने से अल्लाह कैसे मानता है। फिर आगे कहने लगे इत्थे नचना भी इबादत बन जाता है, कि नचना भी इत्थे इबादत बन जाता है। और परेशानी हुई, नाच तो आम है, तो बुल्ले शाह कहते हैं इबादत बन जाता है, खूब नचे खूब नचे। दिल की धड़कने उभरी, वो कहने मैं खूब नचिया मुल्ला खूब नचिया, दिल दिलिया धड़कना उभरिया, उन्होंने लाल मैं फिर अल्लाह अल्लाह मलाया, फिर अल्लाह मन गया ना। नीयत नचन दी, अल्लाह नु मनान दी सी ना, धड़कना नु उभरान दी सी ना, तो अल्लाह ताला नीयत नु देखदा ना। अल्लाह नचने दी नीयत ही सी। हुण तुसा भावे नचो, अमीर कलाल ने कबड्डी खिलाई इन्हां दिली धड़कना बारह वास्तियां, भावे कबड्डी खेलो। एक और बुजुर्ग सुनो, उन्हें दीवारा बनवाइया, सुबह बनाओ तो शामी गिराओ, सुबह बनाओ तो शामी गिराओ। एक और तरीका है वर्जिश करो, वो भी नहीं तो दौड़ो, वो भी नहीं तो जिथे बह के जरबा ला देना, अल्लाह अल्लाह जरबा ला, तो घंटा डेढ़ घंटा अल्लाह करोगे ना, वही पोजिशन नचने वाली होगी, कबड्डी वाली हो जाएगी ना, दिल की तड़कना उभरेंगी ना, उन्हें तड़कना ना अल्लाह मिलाओ ना। ये इसमें तरीका है। अगर गर्मी लगे तो दुरुशी पढ़ो, उसकी ठंडा का छोड़ सी, फिर अल्लाह करो। अगर गर्मी लगनी है, गुस्सा आना है, फिर दुरुशी पढ़ो, वो इसको ठंडा कर देगा। ये इसका तरीका। इसके लिए ना कोई बैत है ना कोई नजराना है, बस अल्लाह रसूल की तरफ से हुक्म है, सब के लिए हुक्म है, जो जी चाहे अपनी किस्मत आजमाए। अल्लाह जब तक ये तुम्हारे अंदर अल्लाह वाला नहीं होता, तुम्हारी मखलूक के अंदर जवान नहीं होती, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अब देखा ना, इस वक्त बहुत से लोग हैं जिन्होंने पीर पकड़े हुए हैं, तेरा शाही मेरा शाही दो शाही दो शाही, दुनिया पर है किसकी शाही दो शाही दो शाही। हो सकता है आप पीर पकड़ के आराम हो गए हो, पीर सिर्फ अल्लाह के लिए पकड़ा जाता है। सुल्तान साहब ने फरमाया अपनी किताब में, अगर कोई शख्स दुनिया के लिए पीर पकड़े, दुनिया के लिए बैत हो या दुनिया के लिए बैत करे, दोनों आराम। दुनिया के लिए बैत करे या बैत हो, दोनों आराम हो गए ना। बैत तो सिर्फ अल्लाह के लिए ना, अल्लाह को पाने के लिए ना। बैत का मतलब है बिक जाना ना, अपने आप को बेच देना ना। अगर तू बिक के भी अल्लाह को नहीं पा सका, अब अल्लाह को जो गाड़ी जाती है, यो तो दिल जाता है ना। अगर तुझे चार पांच छह साल भी हो गए, तेरे दिल की गाड़ी को खबर ही नहीं है, तो फिर या तेरा पीर नाकस है या फिर तू नाकस है। फिर बेहतर है, हो सकता है तेरा नसीबा किसी और जगह हो, तो नसीबों को तलाश कर, या फिर अपने पीर को पहचान तो सही ना, कि तेरा पीर है क्या। कुछ पीर ऐसे हैं जिनको देखना ही स्वाब लख करोड़ा हजाना स्वाब मिलता है। अल्लाह कोई पीर ऐसे भी होते हैं, वो कौन से पीर होते हैं, जब उनके ये मखलूक, एक मखलूक जो नूरियों में जाती है हजूर पाक तक पहुंचती है, एक मखलूक जो दिमाग में होती है वो सीधी अल्लाह तक पहुंचती है। अल्लाह जब अल्लाह तक पहुंचती है, फिर एक दूसरे को प्यार से देखते हैं, बड़े दूर से गया, बड़ी मेहनत करके गया ना, फिर अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले, प्यार से देखते हैं। फिर वो जो अल्लाह का नक्शा उसकी आंखों में आता है, उसकी आंखों के जरिए उसके दिल में आता है, जब दिल में आता है फिर अल्लाह ताला फरमाता अब तू नीचे चला जा, अब जो तुझे देख ले वो मुझे देख। उसके लिए फिर सुल्तान साहब ने फरमाया ना, मुर्शिदा दीदार बहु मैनू लख करोड़ा हजा हो, तेरा माही मेरा माही गौर शाही गौर शाही, आशिकों के दिल का माही गौर शाही गौर शाही। अब तक तेरा पीर ऐसा ही है,
तो फिर तू जैसा भी है आप पहला सी सारा हो। अब शिनाख्त होनी चाहिए ना, मेरा पीर है भी ऐसा ही नहीं। चोर को चोर पहचानता है ना, वली को वली पहचानता। तुम एक लाहौर का चोर इधर बिठाओ, पिशावर का चोर उधर बिठाओ, दोनों की नजरें टकराएंगी तो समझेंगे मेरा पेटी भाई है। हकीकत एक वली इधर होगा, एक वली उधर होगा, उनके दिल टकराएंगे, समझ जाएगा कि तार लगी हुई है, कि वली बैठा हुआ है। जब तुम्हारे दिल में ये अल्लाह ले शुरू हो जाएगी, तुम्हें महसूस होगी तुम्हारा दिल अल्लाह ला कर रहा है। जब तुम किसी दरबार पे चला जाना ना, दाता साहब चले जाना, वहां भी अल्लाह यहां भी अल्लाह। रिक्त पैदा हुई ना दाता साहब के, यहाँ तो यूब अलैहिस्सलाम नजदीक है ना, वहां चले जाना ना, दरबार के अंदर जाना ना, रिकत पैदा हो जाएगी। जब अल्लाह अल्लाह टकराएगा ना तो रिकत पैदा हो जाएगी ना, समझ जाओगे रूहानी है कोई। फिर आगे दूसरे दरबार पे चले जाना, वहां भी अल्लाह तो यहाँ भी अल्लाह। फिर अपने मुर्शिद के पास चले जाना ना, जो बात वहां जाने से मुर्शिद के पास होती है, फिर तेरा मुर्शिद काम मिली है ना। अब यकीन पक्का हो गया ना, अब जान भी जाती है जाने दे, लेकिन घड़ी घड़ी उसके पास जाता है, घड़ी घड़ी जाता है तो कुछ भी नहीं होता, फिर वो कुछ भी नहीं है ना, ना फिर वो कुछ भी नहीं है ना, तो फिर खाम खा तेरी उम्र ही बर्बाद कर रहा है ना। बैत का मतलब है बिक जाना, तू बिक गया तेरी सारी नमाजें रोजे उसके हो गए, अगर वो ही आगे नहीं पहुंचा तेरे नमाजें रोजे सब बेकार हो गए ना। अगर तेरा पीर कामल है, अल्लाह वाला है, तो तू सकुने गारी सी, तो जिधर वो जाएगा तो तू भी जाएगा ना। अल्लाह जरूरी है उसकी शनाख्त हो, उसकी शनाख्त की गारंटी ये दिल लेना, तो गारंटी ये दिल लेना। इसके लिए अगर कोई जिक्र लेना चाहे तो जिक्र ले और अपनी किस्मत आजमाए, अगर तो अल्लाह ला शुरू हो गया तो दुआ दे देना, अगर ना हुआ तुम जैसे हो वैसे तो रहोगे ना, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़े ना, तुझे सालों का नहीं महीनों का, ये 5-7 दिन में पता चल जाता है ना कि तुम क्या हो। इसके लिए अगर किसी साहब को कुछ बात पूछनी हो तो पूछ ले, उसके बाद जिक्र ले और अपनी किस्मत आजमाए। किसी भाई के जहन में कोई सवाल हो नई बात सुनी होगी, कोई दिल में तजस्स है तो पूछ ले, फिर पता जिंदगी के मेले मुलाकात हो ना हो। हाँ जी कैसे है? हाँ जी हाँ जी दुआई तो यही है ना इसकी, जो मैंने बताई है। अगर आदमी बीमार हो जाए तो दुआई तो लेता है ना, इसी तरह ये गुनाहों का इलाज है ना। हर आदमी गुनहगार तो होता ही है, एक नबी मासूम होता है, बाकी लोग तो गुनहगार होते ही हैं ना, उन गुनाहों का ये इलाज है ना, ये दवाई है ना, ये टीका है ना, बस ये टीके लगाते रहेंगे तो शफा होती जाएगी और एक दिन बिल्कुल पाक साफ शफाफ हो जाएंगे, उसका ये इलाज है। तो जब वो पाक साफ शफाफ होंगे ना तो फिर वो कुरान के काबिल होंगे। कुरान खुद फरमाता है, खुद अलिल मुत्तकीन, मैं हदायत करता हूँ पाकों को। जब कोई पाक हो जाता फिर कुरान उसके अंदर उतरता, फिर उसको हदायत होती है, उसके जरिए लोगों को शफा होती है ना। और जिसने पाक हुए बगैर, नफ्स की पाकीज़गी के बगैर कुरान से हदायत पाने की कोशिश करी, वो गुमराह हुआ, बदतर फिर को मैं तकसीम। इसके लिए जरूरी है कि पहले उसका अंदर साफ हो जाए। इस अंदर एक पुलित चीज है, 6 चीजें ऐसी हैं जो अलवी हैं, ना नूरी हैं ना नारी हैं। एक चीज जो है वो शैतानी है, जिसके लिए बुल्ले शाह ने फरमाया, इस नफ्स पलीत ने पलीत कीता, असा मुंडू पलीत नस। जब वो चीज इस जिस्म में आई थी, जिस्म नापाक हुआ ना, वरना मिट्टी भी नापाक नहीं है, वो बाकी रूह भी नापाक नहीं है, वो नफ्स आया ही नापाक हुआ ना। अब जब तक ये पाक नहीं होगा, नफ्स पाक नहीं होगा, तू भी पाक नहीं होगा।
तो वो नफ्स पाक जो है ना वो जहरी बाल से नहीं होता है, वो नसों में है। जब नसों में नूर जाता है, उस तक नूर पहुंचता है तो फिर वो पाक होना शुरू हो जाता है ना। तो फिर वही नफ्स जो कुत्ते की शक्ल में था वो उसी इंसान की शक्ल में बन जाता है और हजूर पाक के कदमों में पहुंचाते हैं उसको। इसमें लिखा हुआ है जी, सवाल यह है कि आपकी कमर मुबारक पर ये अल्फाज नक्श हैं कि इमाम मेहदी लिखा हुआ है, ये बात ये तो माकूल बात नहीं है ना। तो आया तुमने देखा है जो सवाल कर रहा है या सुना है? दूसरा सवाल यह है कि तस्वीर का बनवाना और घरों में लगवाना दुरुस्त है या नहीं? ये भी एक फिरके का सवाल है। हजूर पाक के जमाने में ना कैमरे होते थे ना तस्वीरें होती थी, उस वक्त बुत बनाए जाते थे, बुतों के लिए आपने मना किया। अब एक फरीदुद्दीन है, उनके भाई ने मुझसे कहा कि लोग कहते हैं तस्वीर हराम है और वही कहते हैं कि कब्र में हजूर पाक का नक्शा दिखाया जाएगा, वो भी तस्वीर ही होगा ना। वो कहते हैं अगर इधर हराम है तो उधर हराम क्यों नहीं है? वो तस्वीर कोई नंगी तस्वीर औरत की तस्वीर है, आपके जज्बात मजरू होते हैं, वो आपके लिए हराम है ना, उतार देना। अगर आपको कोई पीर व मुर्शिद है या कोई वली की तस्वीर है, आप गुनाह करने लगते हैं उसका ख्याल आ जाता है, तो वो आपके लिए बेहतर है ना। देख लोग कहते हैं वीडियो कितने चढ़ते हैं इससे, वो वीडियो क्या कोई शैतान है? लू ही है ना, तोजे है ना। अगर फिल्मों देखो तो आराम, अगर ना तो क्वालिटी देखो हलाल। पैसा है गलत काम में लगाओ तो हराम है, तो जायज में लगाओ तो हलाल बन गया तुम्हारे लिए। कहते हैं जहां तस्वीर लगी हो वहां नमाज हो जाती है? नहीं, वहां जिक्र भी होता। पहले बताया अगर वहां जहां जिक्र हो रहा है या नमाजें हो रही हैं, अगर औरतों की तस्वीरें लगी हुई हैं तो वो नाजायज या हराम है। अगर किसी बुजुर्ग या वली अल्लाह की तस्वीर है वो तुम्हारे में और इजाफा करती है। वो कैसे इजाफा करती है? वो फिर यही सोचता है कि मेरे साथ वो भी बैठा जिक्र कर रहा है ना। जैसा नमाज बाजमात पढ़ते हैं तो ख्याल रखते हैं ना कि आगे मेरे इमाम है ना, इसी तरह उसका ख्याल होता है कि वो मेरे साथ बैठा हो देख रहा है। तो रहा ये जो मसले मसायल है ना, तुम इसमें उलझ गए ना, असली मंजिल तुम्हारी अल्लाह को पाना था ना, तुमने उसको छोड़ दिया, इन मसलों में उलझ गए। अब तस्वीर हलाल है या हराम है तुम इसको छोड़ो ना, तुम अल्लाह को पाने की कोशिश करो ना, उधर जाओ ना तुम। जब अल्लाह मिल गया तो इनकी क्या वकूत है? तो फिर इसकी क्या वकूत है? तो तुझे अल्लाह मिल गया ना, तो फिर हजरत राबिया बसरी वो चकले में बैठ गई थी, वहां जो आया वो भी अल्लाह वाला बन के चला गया ना। अल्लाह तो तू अल्लाह को पा, इन मसलों को छोड़। और भी कोई बात? वो भी बात पूछना चाहता हूँ यार, वो एक साहब है वो कहते हैं, पूछना चाहता हूँ बात। हाँ हाँ पता है, जब दीन मुकम्मल है सरकार, नबी करीम की बात बकौल नबी करीम के कि दीन मुकम्मल हो गया, आज के टाइम ना आपने फरमाया दीन मुकम्मल हो, फिर ये जिक्र ये जो हम लोग कर रहे हैं तो ये साबित नहीं किसी किताब से? मैंने पहले ही बताया है, किसी तरीके से मैं बताता हूँ ना, इसके बारे में आप क्या बताएं? मैं बताता हूँ, ये सारी बात उसी के मतलब की करिए ना। वो जो दीन मुकम्मल हुआ ना वो शरीयत वालों को हुआ ना, तरीकत वालों को तो दीन मुकम्मल वहां नहीं हुआ था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे हजूर पाक से दो इल्म हासिल हुए, एक तो मैं बता दिया वो यही था ना, दूसरा बताऊं वो मुझे तुम मुझे कत्ल कर दो, वो दीन तरीकत था ना। यह हदीस है बकायदा, हजूर पाक फरमाते हैं मुझे तीन इल्म हासिल हुए, एक आम के लिए, एक खास के लिए, एक सिर्फ मेरे लिए। अब रहा सवाल, अगर यही दीन था फिर आप दाता साहब या ख्वाजा साहब की नफी कर देना, फिर वो जंगलों में क्यों गए?
वो किस दिन कौन सा दिन सीखने के लिए जंगलों में गए? इसका मतलब है वो कोई इससे हट के दीन था ना, वो दीन तरीकत था, ये दीन शरीयत है। इसके आगे भी दीन है जो नजरों से पलाया जाता है, वो हकीकत है ना। दीन तो बहुत सारे हैं ना। सरकार वो एक साहब पूछना ये चाहते हैं सरकार के, उनके सीने के बाद लोग सीने की धड़कनों को या गोश्त के टुकड़ों को उभार लेते हैं अमल से, तो ये जिक्र कल्ब है या रूहानियत है या इबादत है? नहीं, वो ऐसा है, दो सिलसिले वाले लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ, उनकी मेहनत पे आफरीन है। उन्होंने ये सुना कि अगर ये दिल जिक्र से जंबश में आए, अरशे मौला को जंबश होती है, इसमें शक नहीं। एक फिरके ने क्या किया, दिल की धड़कनों में अल्लाह ला मलाई, धड़कनों के जरिए जब धड़कनों में तेजी आई, उनके दिल ने जंबश करी, उसने ऐसा किया। दूसरे वाले ने क्या किया, मशक के जरिए इस दिल को यहां से लाया नाफ तक, नाफ अल्लाह अल्लाह, वो भी हमने सिलसिला देखा। एक और सिलसिला देखा जिसने गोश के लोथड़े को अल्लाह अल्लाह वो जंबश में लगा लिया। अब रहा सवाल, जिसने नाफ तक लगाया उसने जब तक तसव्वुर किया ना वो हुआ ना, जब तसव्वुर छोड़ा था खत्म हो गया ना। जब इसने अल्लाह में लगाया जब तक वो मशक करता रहा, तसव्वुर करता रहा, होता रहा ना, जब तसव्वुर खत्म किया था खत्म हो गया ना। वो तसव्वुर ज्यादा से ज्यादा एक घंटा कर सकते हैं, वो भी एक घंटे से ज्यादा नहीं कर सकता और ये भी एक घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते, उनके दिलों में फिर तकलीफ होना शुरू हो जाती है, यही बात है ना। और जिन्होंने वो दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह ला मलाया, वो तो 24 घंटे अल्लाह ला करती रही ना अल्लाह। वो दिल की धड़कने जो करती है ना वो जिक्र कलब है, और ये जो इन्होंने मला लिया ना ये भी गोश के लोथड़े का कलब है ना, जिक्र है ना। लेकिन जो मकाम दिल की धड़कनों का है ना वो मकाम इनको नहीं, क्योंकि ये वक्ती है और वो दायमी है, ये सोते में नहीं होता है, वो सोते में भी होता रहता है। आप उन लोगों को देखें ना, आपके साथ चल फिर रहे हैं तो बिल्कुल साकिन है, लेकिन आप जब मशक में बैठेंगे तब उनके दिल ऐसा करेंगे ना, उनका तल्लक तसव्वुर से है ना, और तसव्वुर घंटे से ज्यादा कायम रह नहीं सकता। रहा उनकी मेहनत पे आफरीन है, ये नहीं कह सकते गलत है, लेकिन जो मंजिल है ना वो दिल की धड़कनों से खून से, और खून से रूहों में जाता है ना, उससे मंजिल चलती है ना, वो इबादत है लेकिन मंजिल नहीं। और जी और कोई हजरात ने सवाल करना चाहे? कोई सी गल है, आपने किसी किताब में लिखा है मैं मैदी हूँ जी? किसी किताब में लिखा है कि मैं मैदी हूँ? नहीं, बस लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। ये तो लोगों से पूछा ना, ये कहा है कि देखिए इमाम मैदी रहे सलाम जो है वो और शख्सियत है, मैदी के मैंने होता है हदायत देने वाला, तो जो हदायत देने वाला ये तो अल्लाह का नाम है, वो तो हदायत है, साफ जाहिर है। मैंने कहीं नहीं लिखा जी, ना किसी को कहा है जी, अगर कोई कहे तो उसकी मर्जी है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। हाँ जी, और बैठ जाओ बैठ। किसके वलीद के मैंने? मुरीद के? वलीद, वलीद पता नहीं यार, मुझे नहीं आता। हाँ जी, और तारीख किताब में देख लेना, डिक्शनरी में देख लेना। इसके लिए बेहतर है जिक्र ले लें, आप किस्मत आजमाएं। हाँ, किसी भी फिरके से इसे मतलब नहीं है, मतलब अल्लाह पानक मतलब है। एक साहब का कहना है कि अगर जिक्र चालू हो जाए तो फिर बंद कर सकता है इसको, ये जो है ना ये अपनी मर्जी से चालू होता ही नहीं है ना। अगर आप चाहें ना कि मेरा जिक्र चालू हो जाए
तो कभी भी नहीं होगा ना, जब तक रब नहीं चाहेगा। तो जब रब चाहेगा ना तुम्हारा आगे पीछे देख ही चाहेगा ना, आगे पीछे देख ही चाहेगा ना, तो फिर तो मुश्किल है। एक दफा वो चाले फिर ये बंद हो जाए, फिर चलते ही रहता है। बीच में अगर निश्चय पर फराज आ भी जाते हैं लेकिन ये चलते ही रहते हैं। ये एक अमल बन जाता है, जिस तरह 786 है वो बिस्मिल्लाह से तलक रखता है, इसी तरह जो 66 है ना वो अल्लाह से तलक रखता है ना, एक अमल बन जाता है ना, ये हरूफ़ अब्जद में है ना। कर लो तसल्ली से बात, जैसी भी जाओ कर लो। सरकार ने वक्त दिया हुआ है, इस वक्त आप लोगों की किस्मत ही हम सब की जो जहन में बात हो, जो यहाँ तस्करा हुआ है, इस तालीम के मुताबिक कोई सवाल हो तो कर सकते। सरकार किसी के जहन में कोई सवाल ही नहीं है, फिक्र रियायत करवाए। ऐसा करें ना, मैं पढ़ूंगा ना अल्लाह हूँ, जिन लोगों को जिक्र लेना है, ये कोई जबरदस्ती सौदा नहीं है, दिल का सौदा है। जबरदस्ती लेगा भी अल्लाह नहीं चाहेगा तो बेकार है ना, लेकिन ले भी ले जिक्र अल्लाह नहीं चाहे तो बेकार है ना। ये जिसको दिल चाहता है वो तो मेरी जुबान के साथ इकरार करेगा 3 दफ़ा अल्लाह का, तो जो नहीं चाहता है वो खामोश रहे, जो इकरार करेगा उसको इजाज़त होगी। इजाज़त का मतलब क्या होता है, आप इसके बगैर भी अल्लाह पढ़ सकते हैं ना। आप यहाँ तहज्जुद पढ़ते रहें, शैतान हंसता रहता है खड़ा, तेरा दिल तो मेरे हाथ में ना, जब जी चाहूंगा मोड़ दूंगा लगा है। लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह को दिल में बसाने की कोशिश करता है, शैतान सोचता है अल्लाह इसके अंदर चला गया, ये तो सारी उम्र के लिए मेरे हाथों से गया ना, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से जलता है ना। उसके पास सिंधु फौज है जिन्नात की, फिर उस आदमी के ऊपर छोड़ देता है, जा इसको बर्बाद कर, तबाह कर, कुछ भी कर, ये अल्लाह इसके अंदर ना जाए। अब तुम्हारे पास तो कोई मुकाबला करने के लिए चीज नहीं है, वो आएंगे तुम्हें सताएंगे, पागल भी करके जा सकते हैं, लेकिन जहां इसके इजाजत होती है अल्लाह ताला उनको भी एक रहमानी फौज देता है। और शैतानी फौज तुम पे टूट पड़ी और रहमानी फौज शैतानों पर टूट पड़ी, और रहमानी फौज उस वक्त तक तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम्हारे अंदर रहमान नहीं जाग उठता। फिर बंदा नहीं रहे बंदा नवाज बन गए, गरीब नहीं रहे गरीब नवाज बन गए। इजाजत ये ठीक है, पढ़े जी। अल्लाहु 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 अल्लाहु, बस ये इजाजत हो गई सबको। रफ्तार में मैं अभी लेके आया हूँ इनको, इनसे वादा था 1.5 महीने का, मैं रहा था वहाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ तो मेरे सामने था, 2.5 महीने हो गए हैं। 1 साल पहले उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन फिर वो अभी उसका तो दिल फिर दोबारा उससे तकलीफ हो गया और अभी अस्पताल में है। तो ये यहाँ से बहुत दूर को 150-200 किलोमीटर से हैं, तो दोनों मियाँ भी अपने बच्चे अभी ऐसा करें ना, पानी दम करा कर ले जाए, थोड़ा सा पलाएं। अच्छा, वो पलाने से पता चल जाएगा ना, थोड़ी सी शफा हो जाए, निकाल इधर ले आए इसको। आमीन आमीन। अकरम जी, पानी मुर्दे मैं खाबा बहुत आ जो गुजर चुके ने रिश्तेदार या ऐसा अंदर खुद ही मरण वाला है। ये इशारे होंगे ने, वो इंसान अंदर मखलूक होंगे ना, तो किसी रिश्तेदार की शक्ल दिखाई जानी ने, कि थोड़ा अंदर जरा ना वो भी खत्म हो। 16 मखलूक ने थोड़े अंदर, जिसले
پکڑتی ہے نا طاقت، پھر خواب آتی ہے کہ میں خواب اڑتا جا رہا ہوں کسی اس طرح. نہیں انسان نو خود دکھایا جاتا، مردے دکھائے جاتے نہیں کہ تو ہی مطلب ہے مردہ بنتا جا رہے ہیں تو. نہیں تو اپنا آپ دسیا جا رہا ہے نا کیونکہ جس کا ذکر تو بعد اس انسان دسیا جاتا نا. بعض آدمی کتے نظر آنے، بعض بیل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نال نال چل رہے ہیں، اسے نفس تک دکھائی دیتے جاتے ہیں. خیر روزی اور نہیں ہے، لوگ روٹی نہیں کھاتے. وہاں اور کوئی نہیں ہے، جن کو اجازت ہے میں ان کا ذکر چلے تھا مطمئن ہونا. ابھی تو ذکر لیا نا ہے، 15 دن ہے میں یہاں ہوں. اس لائن کو اس وقت تک آدمی نہیں سمجھ سکتا جب اس کا قلب اپنا نہ چلنا شروع. قلب چلتا نا پھر حقیقت کو پاتا نا، پھر حقیقت میں جان بھی دیتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے نا کہ سب کا قلب چل پڑے، یہ جس کو اللہ چاہتا ہے. گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے اس عمر میں، رہتے ہی ہے جی. ساتھی تو سب چاہتے تھے کہ میں ادھر ہی ادھر میں رہوں ان لوگوں کے ساتھ، میرا دل بھی چاہتا ہے لیکن خیر اللہ کا جو حکم ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ میں جو محفل میرے گھر میں ہوتی ہے وہ چلتی رہے. پاکستان کس جگہ ہے؟ کراچی. کراچی.